जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर आज आपको दिखाने वाला हूं जनेऊ लीला। आप भी सोच रहे होंगे कि भैया ये जनेऊ लीला क्या है। ये जनेऊ लीला आपको आज हम दिखाएंगे, मैं अभी बताऊंगा नहीं कि इसमें क्या है, लेकिन उससे पहले आज हम आपको दिखाएंगे कि आज एक अद्भुत बात हुई। अद्भुत बात यह हुई कि आज झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश आया कि भैया देवघर के डीसी और मोहनपुर के सीओ दोनों के दोनों तत्काल प्रभाव से रात 8 बजे तक हमारे पास आइए, हमारे सामने हाजिर होइए। तो कुल मिलाकर के देवघर के डीसी और मोहनपुर के सीओ वहां पर हाजिर हो गए कोर्ट के सामने। क्या कुछ हुआ इस प्रोसीडिंग में, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे और ये बातें होंगी डंके की चोट पर। तो सबसे शक्तिशाली होता है कानून। कैसे? झारखंड हाईकोर्ट में देवघर डीसी की पेशी हुई। हाईकोर्ट पहुंचे देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री। बता दें आपको कि लैंड पजेशन सर्टिफिकेट यानी एलपीसी जारी करने में देरी पर हाईकोर्ट ने उन्हें तलब किया था। हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया था कि रात 8 बजे तक सशरीर उन्हें हाजिर होना होगा। आदेश मोहनपुर सीओ को भी था कि भैया हाईकोर्ट में आपका तलब किया गया, आप पहुंच गए हाईकोर्ट। दरअसल हाईकोर्ट ने न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में एक रिट पिटीशन 2290/21 सुनील कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि देवघर डीसी जो है मंजूनाथ भजंत्री वो रात 8 बजे तक किसी भी हालत में सशरीर हाईकोर्ट के सामने उपस्थित हो। इसके अलावा मोहनपुर के सीओ उनके लिए भी आदेश जारी हुआ हाईकोर्ट से कि भैया आप तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट के सामने पेश हो। जिसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि लैंड पजेशन सर्टिफिकेट यानी एलपीसी जारी करने में देरी को लेकर के याचिका थी 2290/21 और इसी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि रात 8 बजे से पहले पहले किसी भी हालत में देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर सीओ को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। और अब देवघर के डीसी रांची पहुंचे और कोर्ट के सामने वो उपस्थित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं वो आदेश, जिस आदेश में कहा गया था कि देवघर डीसी को 8 बजे से पहले पहले झारखंड हाईकोर्ट में पेश होना है, जिसके बाद देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री रांची पहुंचे और हाईकोर्ट के सामने वो पेश हुए। तो झारखंड हाईकोर्ट में देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री की पेशी हुई है। देखिए एलपीसी समझिए, देवघर में जमीनों के मालिकाना हक को लेकर के लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट यानी जमीन को आपके जमीन आपके अधिकार में है इसको लेकर के एक सर्टिफिकेट जारी होता है। अब इस सर्टिफिकेट के जारी करने का कुछ नियम है, कुछ कानून है, लेकिन देवघर डीसी ने इस एलपीसी को जारी करने में देरी कर दिया था। इसी आरोप के साथ बाकायदा एक कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। सहयोगी आयुष हमारे साथ हैं। आयुष, मुझे लगता है हाल फिलहाल के दिनों की अगर बात करें तो अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग मामला ये सामने आया है जिसमें कोर्ट आदेश देता है देवघर डीसी के लिए कि भैया 8 बजे से पहले पहले आप हमारे सामने हाजिर होंगे। मोहनपुर सीओ के लिए भी आदेश आता है कि आप 8 बजे से पहले पहले हमारे सामने हाजिर हो। और अब कोर्ट का आदेश है तो मानना पड़ेगा। तो खबर तो यह है कि देवघर डीसी पहुंच गए, क्या मोहनपुर सीओ भी पहुंच गए, क्या जानकारी है? जीरा चल रही है, बातचीत चल रही है। आयुष जी, देखिए अभिषेक, सबसे पहली बात बताना चाहूंगा कि न्यायिक जगत के इतिहास में ऐसा कभी कभार मौका आता है जब कभी कभी कोर्ट ऐसा कड़ा रुख अख्तियार करती है और दिन हो रात हो समय नहीं देखती और सुनवाई करती है, या कहें जो है लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनती है। उन्हीं में से एक सुनील कुमार शर्मा थे जिन्होंने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी और बताया था कि जो एलपीसी लैंड पोजीशन जो सर्टिफिकेट है उनको नहीं मिल पा रहा है, अदालत से गुहार लगाई कि वो दिलवाएं। ऐसे में जो आज सुनवाई हुई जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में, तो उनके ऑर्डर में यह था कि जो देवघर डीसी हैं मंजूनाथ भजंत्री और जो सीओ हैं विवेक किशोर उनको 8 बजे से पहले इस हाईकोर्ट में पेश होना। देखिए कैमरे से बचते बचाते जो है वो
कोर्ट पहुंचे हैं, उनका उनका जो वाहन है वो लगा हुआ है। इसी तरह देखिए ये मंजुनाथ भजंत्री का ये गाड़ी है, आपको देखिए इनोवा, और इसी से वो पहुंचे हैं। देखिए हमने जो हाईकोर्ट में हमारे प्रवेश करने का जो द्वार है वो गेट नंबर तीन है, और उनको गेट नंबर दो से प्रवेश कराया गया। तो कहीं ना कहीं वो कैमरे से बचते नजर आए अब तक। और जो आपको बता दें कि जो विवेक किशोर हैं, जो सीओ है मोहनपुर के, वो भी कैमरे से बचते बचाते अंदर प्रवेश कर गए हैं। कुछ सेकेंड कहें या कुछ मिनटों में सुनवाई शुरू होगी, और अब ये देखना होगा कि अदालत ने इतनी सख्ती करके जो है दोनों को बुलाया है तो क्या कुछ उनके LPC से जो जुड़ा हुआ जो उनका फाइल है उसको भी कोर्ट ने मंगाया है जस्टिस राजेश कुमार, और थोड़ी देर में सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अभिषेक, आयुष, आप गाड़ी के पास खड़े हैं, थोड़ा उस गाड़ी का बोर्ड दिखाइए, थोड़ा गाड़ी के दर्शन भी करवाइए जिससे देवघर DC वहां पर पहुंचे, एक बार उस गाड़ी का बोर्ड और उस गाड़ी के भी दर्शन करवाएं थोड़ा। अपने सहयोगी से कहेंगे कि जी देखिए हम उस वाहन को आपको दिखाने का, देखिए हमारे सहयोगी रोहन है वो तस्वीर, देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि ये बोर्ड थोड़ा सा हटाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ये क्या है एक दिखा देंगे, थोड़ा सा इसको हटाइए। चलिए उनके जो ड्राइवर है वो तो नहीं, लेकिन मैं ही आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए DC देवघर, और वो भी रांची के झारखंड हाईकोर्ट में रात के 8 बजे, वो भी पेशी में। तो इसको लगा लेंगे कृपया। तो देखिए ये गाड़ी है उनकी जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगातार कहीं ना कहीं हफ्ते चलते जो है वो हाईकोर्ट पहुंची है, और जैसे कि हमें खबर मिली है कि वो हम लोग जो मीडिया प्रेस है उससे भी बचने का प्रयास करते करते वो अंदर प्रवेश कर गए हैं, और अभी कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी और हम दर्शकों को दिखाएंगे उनकी भी बातें जो है सुनने का आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो सुनवाई हालांकि सुनवाई की पूरी जानकारी आप ले लीजिए आयुष, हम चाहते हैं कि उस सुनवाई पर आपकी नजर रहे, क्योंकि हम आपसे फिर से जुड़ेंगे आयुष, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे ताकि इस सुनवाई की तमाम अपडेट्स दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाए। बहुत शुक्रिया आयुष इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस सुनवाई पर नजर बनाए रखिए, तमाम बारीकियों से आप अवगत होते रहिए ताकि आप ही के थ्रू दर्शकों तक हम ये खबर फिर से सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। कि देवघर से रिलेटेड जमीन का मामला है फॉर इश्यूएंस ऑफ लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। मेरे क्लाइंट ने 2019 में ही लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ। 2021 में मैंने यहाँ याचिका लगाया, उसी में जब कोर्ट दिन में सुनवाई की तो ये बताया था बड़ा गलत है, क्योंकि अब क्यों अभी तक ये पड़ा हुआ है। तो इसके चलते वो सर्किल ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर देवर को बुलाया गया और 8 बजे फिर रखा गया। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ सर? कोर्ट में ये हुआ, कोर्ट में हम सुनने के बाद, हाँ कोर्ट में ही कहा गया कि नहीं इस तरह का प्रैक्टिस नहीं चल सकता कि एप्लीकेशन लिए और उसको कहीं रख दिए। आप एप्लीकेशन लेते हैं तब बजाबता उसका लोकेटिंग नंबर होनी चाहिए, उसका एक प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, और उसका एक रिसीविंग उस कंसर्न जो एप्लीकेंट है उनको मिलना चाहिए। और अगर आप LPC अलॉट करते हैं, LPC उसको ग्रांट करते हैं, तो आप उसको ग्रांट कीजिए, नहीं ग्रांट करते क्यों नहीं करते हैं, मस्ट बी गिव रीजन। और एक कोई नंबर भी मिलने की बात हुई है कि जब भी आप LPC के लिए आवेदन, तो वही तो बोल रहे हैं कि जब हम लोग LPC के लिए फाइल करते नंबर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। इवन क्या सर्किल ऑफिसर के ऑफिस में जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि LPC हम आप डाले हैं तो मेरा है कि नहीं है। अभी जो मेरे केस में हुआ कि इतना देर क्या हो रहा था, पैसों से की मांग की गई थी कि ऐसी बात ही हो, नहीं ये सब बात क्यों आप सब बताइए। अब जो भी प्रैक्टिस है वहाँ का आप अलग टिप्पणियाँ कोर्ट की टिप्पणी है कि जो भी टिप्पणी है कोर्ट की, मैंने गलत प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, सही वे में होना चाहिए, कहीं को जो भी होना चाहिए अपेरेंटली होना चाहिए और दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऐसा ये नहीं कि कुछ सब नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए। ये अधिवक्ता थे, हालांकि तमाम बातें अदालत के बाहर नहीं आती, लेकिन आपको बता दें कि हमने CEO के खिलाफ मुहिम चलाई थी। आपको CEO जो करते हैं अपने अंचल करार में वो तमाम चीजें हमने बताई थी, और इसी का फलाफल अब आज है कि कोर्ट भी पहुंचा है, और इसी का फलाफल है कि CEO विवेक कुमार भागते नजर आए। तो समझिए कि झारखंड के अंचल कार्यालयों में क्या कुछ होता है। छोटे से LPC के लिए भी आपसे घूस मांगा जाता है, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, और आप अगर नहीं देते हैं तो आपका काम अरसों तक लटका रहता है, चाहे आपकी जमीन। शुक्रिया भाई। कोर्ट में साफ साफ ये बात कही गई कि जब आप LPC के लिए फाइल करते हैं केस
तो एक एलोकेशन नंबर जारी होनी चाहिए, उसी एलोकेशन नंबर के तहत जो प्रोसीडिंग्स चल रही है कि आप उसमें सुनवाई कर रहे हैं, एलपीसी की जो फाइल है वो कहां तक बढ़ी, ये तमाम चीजें लोगों को दिखनी चाहिए। अगर काम हो रहा है तो वो काम दिखना चाहिए, कोई मेल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। कोर्ट की बहुत खरी खरी टिप्पणी। बहुत शुक्रिया आयुष इस तमाम जानकारी के लिए। कोर्ट का हथौड़ा बहुत जबरदस्त था, थोड़ा डंके की चोट में। फिलहाल यहीं तक, नमस्कार, जोहर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।